ट्रैफिक लाइट चल रहा था 14 मई 1967। पहले पेज के अंत में बात चल रही थी, शंकर द्वारा बिना सजाया हुआ है, बाकी उनको मर्तबा व महिमा आदि कुछ भी नहीं है। क्या बात हुई? शंकर द्वारा विनाश, बाकी उनको महिमा व मर्तबा आदि कुछ भी नहीं, ऐसा है? शंकर को महिमा व मर्तबा आदि कुछ भी नहीं है, भक्ति मार्ग में तो है, लेकिन ज्ञान मार्ग में तो है? महिमा व मर्तबा आदि कुछ भी नहीं है। जैसे कहते हैं, शंकर पार्वती युगल नहीं है, भक्ति मार्ग में है या नहीं है? भक्ति मार्ग में है, लेकिन ज्ञान मार्ग में युगल नहीं है। कल की 14 मई 1967 की वाणी का दूसरा पेज। बाकी विनाश तो ड्रामा अनुसार होना ही है। आपस में लड़ करके विनाश हो जाएगा। बाकी शंकर क्या करते हैं, ये तो ड्रामा अनुसार ही नाम रख दिया है। शंकर द्वारा विनाश तो समझाना पड़ता है कि ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों हैं। माने मजबूरी है समझाने की, क्या कि ब्रह्मा विष्णु और शंकर ये तीन के द्वारा कार्य होता है। स्थापना के लिए तो ब्रह्मा को रख दिया है, पालना के लिए विष्णु को, विनाश के लिए फिर शंकर को रख दिया है। ये तो बना बनाया ड्रामा है। कल्प कल्प समझते रहेंगे कि शंकर का पार्ट कुछ भी नहीं है। शंकर का पार्ट कुछ भी नहीं है, ऐसे क्यों बोला? क्योंकि पार्ट रंगमंच पर कर्मेंद्रियों के द्वारा बजाया जाता है। शंकर के लिए तो गायन है योग बल से विश्व की बात सही, इसमें कर्मेंद्रियों की कोई बात नहीं आती है, इसलिए बोला कि शंकर का कुछ भी पार्ट नहीं है। ब्रह्मा और विष्णु का पार्ट तो सारे कल्प में है। ब्रह्मा सु विष्णु, विष्णु सु ब्रह्मा, 84 जन्म ब्रह्मा लेते हैं। विष्णु के लिए भी कहेंगे कि 84 जन्म लेते हैं तो ब्रह्मा सु विष्णु बनेंगे, ऐसे ही तो कहेंगे ना। ब्रह्मा के भी 84 जन्म पूरे हुए तो कहेंगे विष्णु के भी 84 जन्म पूरे हुए, और शंकर तो जन्म मरण से न्यारा है। क्यों? शिव को कहेंगे जन्म मरण से न्यारा है या शंकर के लिए भी कहेंगे? शिव का स्थूल जन्म भी नहीं होता,
तो स्थूल रूप में मृत्यु की भी बात नहीं है। और शिव ऐसे रंगमंच पर जब आता है तो जिस तन के द्वारा संसार में प्रत्यक्ष होता है उसको आप समान बनाते हैं। तो शिव जन्मण से न्यारा तो शंकर भी जन्म मरण से न्यारा होना चाहिए। जन्म अर्थात निश्चय रूपी जन्म और मृत्यु अर्थात अनिश्चय रूपी मृत्यु। और जो भी मनुष्य आत्मा है सबका जन्म मरण होता है, बेहद की बात है। शंकर के लिए नहीं कहेंगे कि उसका जन्म मरण होता है, भक्ति मार्ग में भी ये गायन चला आता है। इसलिए और कोई देवता को शिव के साथ नहीं मिलाया है, एक शंकर ही है जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा गया है। शिव और शंकर को मिलाई दिया है। वास्तव में शिव का तो बहुत पार्ट है, किसके द्वारा? शिव तो बिंदी है, फिर उसे बिंदी जो जन्मण के चक्र से न्यारा है उसका पार्ट किसके द्वारा है? शंकर के द्वारा है। क्या करते हैं शिव? क्या करते हैं? पढ़ाते हैं। और शंकर क्या करते हैं? पढ़ते हैं। उनका पार्ट ऐसा वंडरफुल कह दिया है कि तुम बच्चे तो विश्वास कर भी न सको कि ऐसा पार्ट भी हो सकता है। किसने कह दिया है? बाबा तो कहते शंकर का पार्ट है ही नहीं। शंकर क्या करता है? कुछ भी नहीं। फिर यहाँ बोला शंकर का ऐसा वंडरफुल पार्ट कह दिया है कि तुम तो विश्वास कर भी ना सको। तो किसने कह दिया है? भक्ति मार्ग वालों ने ये कह दिया है कि शंकर का ये पार्ट है। सूक्ष्म बतन में फिर बैल पर शंकर की सवारी दिखाते हैं, फिर सांप गले में दिखाए हैं। अब सूक्ष्म बतन में बैल सांप ये तो होते ही नहीं है, वहां बैल कहां से आया? तो कहां की बात है? शंकर कोई महत्व तो नहीं रखता है, परंतु भक्ति मार्ग में महत्व तो रख दिया है। तो भक्ति मार्ग में जो भी बातें रखी हुई हैं वो यादगार कहां की है? संगम युग की यादगार है, क्योंकि शिव और शंकर को मिलाए दिया है। फिर कहते हैं कि भांग पीता था, यह करता था, फिर ऐसे ऐसे काम करने वाले को देवता थोड़े ही कहेंगे। भांग पीने वाले को देवता कहा जाएगा क्या? वो विश्वास ही नहीं कर सकता है, परंतु बंदर बुद्धि है ना। तुम भी ऐसे ही समझते हो। विनाश तो ड्रामा अनुसार होना ही है,
वो तो बामसा आदि के द्वारा होगा। मनुष्य कह देते कि ये प्रेरक है। कौन? शंकर की प्रेरणा से बाम बनते हैं, बाम से विनाश होता है। बाप ने समझाया है, प्रेरणा आदि की कोई बात होती नहीं है। बाप को तो आना पड़ता है, प्रेरणा से ब्रह्मा का राज थोड़ी ही समझावेंगे। प्रेरणा अक्षर कह देते हैं, बाप ने समझाया है कि मेरे में सृष्टि चक्र का ज्ञान है ही है, ये मेरे को पाठ मिला हुआ है ज्ञान समझाने का, इसलिए मुझे ही ज्ञान सागर पतित पावन कहते हैं, नॉलेज फुल कहते हैं। क्या पाठ मिला हुआ है? ज्ञान सागर को ज्ञान समझाने का पाठ मिला हुआ है और पतितों को पावन बनाने का पाठ मिला हुआ है। लेकिन वो तो बिंदी है, बिंदी पाठ कैसे बजावेगी? ब्रह्मा के द्वारा बजावेगी। ब्रह्मा ने तो शरीर छोड़ दिया, कोई पतित बुद्धि पावन बुद्धि तो बना नहीं। अगर बना होता, ब्रह्मा द्वारा पतित पावन का पाठ चला होता तो ब्रह्मा को विष्णु शिव के साथ मिलाई देती, ब्रह्मा सो विष्णु को भी शिव के साथ मिलाई देते, परंतु ऐसे तो है नहीं। नॉलेज किसको कहा जाता है? वो तो जब नॉलेज मिले तब पता पड़े ना। और नॉलेज देने वाला मिला ही नहीं है तो फिर अर्थ का कैसे पता पड़ेगा? पहले तो अर्थ का पता चलना चाहिए। आगे तो तुम भी कहते थे कि ईश्वर ही प्रेरणा करते हैं, वो ही सब कुछ जानते हैं, हम जो भी पाप आदि करते हैं वो ईश्वर देखते हैं। बाबा कहते हैं मैं जाने जानना हार नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं जानता हूं। ये जाने जानना हार का धंधा मैं करता ही नहीं हूं, ये तो जो जैसा कर्म करता है उस कर्म की वो स्वयं ही सजा भुगतता है। मैं किसी को न देखता हूं और न प्रेरणा से कोई को सजा देता हूं। मैं प्रेरणा से करूं तो जैसे कि मैंने ही सजा दे दी। कोई को कहा कि इनको मारो तो कहने वाले पर भी दोष आ जाता है ना, वो भी दोषी हुआ ना, तो कहने वाला भी फंस पड़ेगा, करने वाला तो फंसता ही है। शंकर अगर प्रेरणा देवे तो वो भी फंस जावे। किसने भड़काया तुमको? किसने प्रेरणा दी तुम ये कर्म करो?
तो भड़काने वाला और कर्म करने वाला दोनों ही फंस गए ना। बाप कहते हैं कि मैं तो तुमको सुख देने वाला हूं, तुम मेरी महिमा करते हो कि आकर के सुख दो और दुख हरो, तो मैं थोड़े ही दुख देता हूं। विनाश होता है तो कितने दुखों के पहाड़ गिरते हैं, तो मैं दुख दे दाता हूं क्या? मैं दुख देने वाला हूं क्या? झूठे कलंक तो ढेर मेरे ऊपर लगाए देते हैं। आजकल तो बहुत करके कलंक लगाते हैं, आगे तो कहते थे 24 अवतार, अभी तो तुमसे भी जास्ती हमारे जन्म दिखाई दिए। ठिक्कर भित्तर कर्कण में भगवान कह देते हैं। ऐसा एक नाटक भी बनाया हुआ है। अभी तुम बच्चे तो बाप के सन्मुख बैठे हो, तो इसमें सर्वव्यापी की तो कोई बात ही नहीं है, तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। यहां तो तुम डायरेक्ट सुनते हो। भाषण लेते हो, ये भाषण आती है कि बाबा हमको पढ़ाते हैं, इसको ही मेला कहा जाता है। सेंटर पर तुम जाते हो, वहां पर कोई आत्मा और परमात्मा का मेला नहीं कहेंगे। आत्मा और परमात्मा का मेला तो यहां लगता है। कहां कहां लगता है? मधुबन में। सेंटर्स पर कोई महात्मा और परमात्मा का मेला नहीं लगता है। मेले में कितनी भीड़ होती है। मनारा हो जाता है। ये भी तुम जानते हो कि ये मेला लगा हुआ है। बाप बच्चों के बीच में आए और आत्माएं सब यहां है बाप के सन्मुख। आत्माएं सब बाप के सन्मुख है। सब आत्माएं बाप के सन्मुख है क्या? ऐसे थोड़े ही 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं ही आत्माएं होती है। कीड़े मकोड़े पशु पक्षी सब ही तो आत्मा है, तो सब यहाँ मौजूद है क्या? फिर क्यों कहा? इसलिए कहा कि तुम सन्मुख होने वाले बच्चे ही आत्मिक स्थिति में स्थित होने वाले हो, और बाकी कोई आत्मिक स्थिति में प्रैक्टिकली स्थित नहीं होते हैं। आत्मा ही याद करती है कि बाप आवे तो ये सबसे अच्छा मेला है। बाप आकर के सब आत्माओं को रावण राज्य से छुड़ाई देते हैं। क्या? सब आत्माओं को, जो जीव आत्माओं के रूप में है, उनको रावण राज्य से छुड़ाई देते।
और जो आत्माएं शरीर छोड़ देती है उनके लिए कहेंगे कि रावण राज से बाप छुड़ाते हैं है? एक तो है जीते जी रावण राज से छोड़ना छुड़ाना, और एक है शरीर छोड़ करके छूट जाना। तो प्रैक्टिकल पार्ट किसका हुआ? शरीर रहेगा नहीं। जो जीते जी रावण राज से छूट जाते हैं तो ये तुम्हारी बात है, ये मेला हुआ, जिस मेले से मनुष्य पारस बुद्धि बनते हैं। उन मेलों पर तो मनुष्य मेले हो जाते हैं, इन मेलों पर है? जो मनुष्यों का मेला होता है, गुरुओं और मनुष्यों का मेला होता है, उन मेलों में मेले होने जाते हैं, और इस आत्मा परमात्मा के मेले में पारस बुद्धि बनने के लिए आते हैं। उन मेलों में पैसे बर्बाद करते हैं, मिलता तो कुछ भी नहीं है। उन मेलों को मायावी आसुरी मेला कहा जाता है। बड़े बड़े महंत, बड़े बड़े सन्यासी, मठाधीश, पीठाधीश उन मेलों का आयोजन करते हैं। इतने लंबे समय से साज सामान इकट्ठा करते हैं, कितना गवर्नमेंट का पैसा बर्बाद होता है, और यहाँ तो कोई योजना नहीं बनाई जाती, कोई पहले से प्लानिंग नहीं की जाती, कोई पैसे की बर्बादी नहीं होती। यह है यथार्थ ईश्वरीय मेला। तो उन मेलों में और इस मेले में रात दिन का फर्क है। उनमें होता है वेस्टेज ऑफ मनी, वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ एनर्जी, और थक करके वापस आ जाते हैं। और यहाँ तो तुम मेले में आते हो तो उमंग उत्साह लेकर के वापस जाते हो, तो कितना फर्क हो गया। पहले तुम भी आसुरी मेले में थे, अभी तुम समझते हो कि तुम ही ईश्वरीय मेले में हो। तुम जानते हो कि बाबा आया हुआ है। अगर सब जान जावे कि बाबा आया हुआ है तो पता नहीं कितनी भीड़ हो जावे। फिर इतने मकान आदि कहां से लावेंगे? अभी भी देखो कितना हो रहा है। चौदह पांच सड़सठ की वाणी का तीसरा पेज। बच्चे वृद्धि को पाते रहते हैं, मकान भी बनाते जाते हैं, बहुत बच्चे आवेंगे, पिछाड़ी में गाते हैं अहो प्रभु तेरी लीला। तो ये कौन सी लीला का गायन है? ये है भगवान की सबसे बड़ी लीला। पुरानी दुनिया खत्म होने से पहले नई दुनिया की स्थापना होती है। पहले स्थापना, बाद में विनाश। इसलिए हमेशा किसी को भी समझाओ
तो पहले स्थापना फिर विनाश फिर पालना तो हो। जब स्थापना पूरी हो तब फिर विनाश होता है, फिर पालना होगी। तो तुम बच्चों को खुशी रहती है कि हम सुदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण हैं, फिर हम चक्रवर्ती राजा बनते हैं। क्या पहले स्वदर्शन, आत्मा के 84 के चक्र का दर्शन होता है, ऐसा दर्शन करने वाले तुम ब्राह्मण बनते हो। बाद में क्या बनते हो? चक्रवर्ती राजा बनते हो। ये बात कोई को भी पता नहीं है। क्या चक्रवर्ती राजा? ये पहले सुदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण बनते हैं। मनन चिंतन मंथन करने से अपनी आत्मा के अनेक जन्मों का ज्ञान होता है, और जब ज्ञान हो जाता है नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार, फिर चक्रवर्ती राजा बनते हैं। चक्र लगाते जाते हैं, आवर्तन होता जाता है, तो उसकी यादगार में भक्त फिर क्या करते हैं? भक्त देवताओं के मंदिर में जावेंगे, शिव भगवान के मंदिर में जावेंगे, तो क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। उनको तो पता भी नहीं है कि उन देवताओं का राज्य कहाँ गया। उन देवताओं का नाम निशान क्यों गुम हो गया? अभी तो देखो देवता के बदले अपने को हिंदू कह देते हैं। हिंद में रहने वाले हिंदू, हिंदू है यानी क्या है? लक्ष्मी नारायण को भी ऐसा नहीं कहेंगे, उनको तो देवता कहा जाता है। तो इस मेले में ड्रामा प्लान अनुसार तुम आए हो, तुम्हारे आने की भी ड्रामा में नूद है। ये वृद्धि धीरे धीरे होती जाएगी। तुम्हारा जो कुछ अभी पाठ चल रहा है वो फिर हूबहू कल्प के बाद भी ऐसे ही चलेगा, ये चक्र फिरता रहता है। फिर रावण राज्य होगा, फिर आसुरी पालना होगी। अभी तो तुम ईश्वरीय बच्चे हो। कहाँ की बात बताई? संगमयुग में भी ऐसे होता है क्या? है ईश्वरीय पालना होती है, फिर आसुरी पालना होती है, फिर ईश्वरीय पालना होती है, ऐसे संगमयुग में भी होता है क्या? शूटिंग होती है। अभी तो तुम ईश्वरीय बच्चे ही हो, फिर दैवी बच्चे बनेंगे, क्षत्रिय बनेंगे। तुम जो अपवित्र प्रवृत्ति वाले बन गए थे वो फिर पवित्र प्रवृत्ति वाले बनते हो। है तो ये भी देवी गुणों वाले मनुष्य, बाकी इतनी भुजाएं आदि तो होती नहीं है। प्रवृत्ति मार्ग की 4 भुजाएं दिखाई गई है, 2 भुजाएं पुरुष की और 2 भुजाएं स्त्री की। क्या मतलब हुआ? भुजा माना मददगार।
मददगार पुरुष रूप में दो भुजाएं, एक लेफ्ट भुजा और दूसरी राइट भुजा, किसको कहेंगे? लक्ष्मी को भी। दो पुरुष की भुजाएं, दो स्त्री की भुजाएं, दोनों को मिला करके कहेंगे विष्णु चतुर्भुज। बाकी वैसी चार भुजाओं वाला कोई होता नहीं है। दो पुरुष कौन कौन? राम और कृष्ण, और दो स्त्रियां, दो नारी, राधा और सीता। विष्णु के लिए समझते हैं वो सूक्ष्म वतन में रहने वाला है। कहाँ की यादगार है? कैसे? सूक्ष्म मनन चिंतन स्टेज में। मनन चिंतन की स्टेज है या ऐसी स्टेज है जो मन बुद्धि के अंदर अनुभव की जाती है, साकार में, लेकिन प्रैक्टिकल में देखते नहीं है। चित्रपट में दिखाते हैं, ब्रह्मा को सूक्ष्म वतन में दिखाते हैं, विष्णु को सूक्ष्म वतन में दिखाते हैं, शंकर को भी सूक्ष्म वतन में दिखाते हैं बादलों के बीच। क्या ऐसे होता है? वास्तव में ये ऊंची स्टेज की यादगार है, हैं सब प्रैक्टिकल बातें। चार भुजाएं क्यों दी हैं? इसका अर्थ क्या है? ये तो कोई भी नहीं जानते। तुम्हारी बुद्धि में अब आया है कि स्त्री और पुरुष के रूप में जो कंबाइंड युगल का रूप बनता है वो विष्णु की चार भुजाएं हैं, जो पालना करने के निमित्त बनती है। ये चित्र खड़ा हुआ है, एम ऑब्जेक्ट। विष्णुपुरी में ऐसे प्रवृत्ति मार्ग वाले रहते हैं, भक्ति मार्ग में तो बहुत भुजाएं आदि दे दी गई। विष्णु कौन है ये कोई बता ही नहीं सकते। महालक्ष्मी की भी पूजा करते हैं, महालक्ष्मी किसे कहा जाता है और लक्ष्मी किसे कहा जाता है ये किसी को पता ही नहीं। तुम्हारी बुद्धि में तो बैठा है महालक्ष्मी अर्थात दो नारियों के स्वभाव संस्कार का मेल, एक लेफ्टिस्ट में पार्ट बजाने वाली, महाकाली के रूप में पार्ट बजाने वाली और एक राइटियस रूप में पार्ट बजाने वाली, महागौरी के रूप में पार्ट बजाने वाली, दोनों के स्वभाव संस्कार का मेल महालक्ष्मी, महालक्ष्मी कहा जाता है। महालक्ष्मी में स्त्री चोला आगे दिखाया जाता है, विष्णु रूप में पुरुष चोला आगे दिखाया जाता है। जगदम्बा से कब धन नहीं मांगते हैं? क्या कहा? जगदम्बा से कभी धन नहीं मांगते। क्या मांगते हैं? और सर्व मनोकामनाओं की पूर्ति करने के लिए जगदम्बा के पास जाते हैं और धन की पूर्ति करने के लिए
लक्ष्मी का आवाहन करते हैं। मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? नारी से लक्ष्मी, नारी से जगदम्बा लक्ष्य नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि इच्छा मात्रम अविद्या, ये स्टेज जगदम्बा की नहीं बनती। किसकी बनती है? लक्ष्मी की बनती है। सर्व मनोकामनाओं की पूर्ति करती है वो। अनेक प्रकार की मनोकामनाएं इस संसार सागर में पैदा होती है। जिन्हें क्षीर सागर में जाना है उनका तो लक्ष्य होता है सब मनोकामनाओं को एक कामना में आहुति डाल देना। इच्छा मात्रम अविद्या। इसलिए कहते हैं कि लक्ष्मी से धन ही मांगने जाते हैं। क्यों? लक्ष्मी से ही धन क्यों मांगते हैं? एक धन की मनोकामना की पूर्ति लक्ष्मी करती है और अनेक मनोकामनाओं की पूर्ति जगदम्बा से करते हैं, तो बड़ी कौन हुई? जगदम्बा। जगदम्बा बड़ी हुई क्योंकि सब मनोकामनाएं की पूर्ति करती है। सब मनोकामनाएं इस सागर संसार सागर में होती है। संसार सागर में रहने वाले जो जीवड़े हैं वो जगदम्बा को मानते हैं। उनकी अनेक मनोकामनाएं अभी अतृप्त हैं, इसलिए जगदम्बा के पीछे जाते हैं। और ज्ञान धन किससे मिलता है? सिर्फ लक्ष्मी से मिलता है। लक्ष्मी और कोई चीज नहीं देती। क्या देती है? ईश्वर की जो संपत्ति है वो क्या है? ज्ञान धन। ईश्वर परम धाम से आकर कोई संपत्ति स्थूल में नहीं लाता, सिर्फ ज्ञान सागर कहा जाता है। और वो ज्ञान सागर बाप कन्याओं माताओं को निमित्त बनाता है ज्ञान धन देने के लिए। उन कन्याओं माताओं में कोई तो ज्ञान धन लेने के निमित्त तो बनती है, परंतु अपने ही कर्म कहानी और कर्म जंजालों में फंसी रहती है, अपनी ही मनोकामनाओं की पूर्ति में फंसी रहती है, अपने बाल बच्चों की मनोकामनाओं की पूर्ति में फंसी रहती है। इसलिए जो लक्ष्य है मनुष्य जीवन का वो प्राप्त नहीं कर पाती। ज्ञान धन का वजन ढोने वाले बन जाते हैं, लेकिन दूसरों को ज्ञान देना उनको नहीं आ पाता। असली धनी वो है जो स्वयं भी धारण करे और दूसरों को भी धारण कराए। इसलिए चार भुजाएं जो विष्णु की दिखाई गई है उनमें दो भुजाएं स्त्री के रूप में है, एक लेफ्ट भुजा अर्थात संयोगिनी शक्ति और एक राइट की संयोगिनी शक्ति। ज्ञान लिया और लेने के बाद उसको धारण कर लिया बुद्धि के घड़े में, तिजोरी में डाल दिया, लेकिन अपने कल्याण में भी नहीं आया और दूसरों के कल्याण में भी नहीं आया, तो सूम का धन कहा जाता है। इसलिए बाएं कलश में
बाएं हाथ में जो कलश है वो सूम का धन हो गया। धन को धारण किया लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में नहीं अपनाया। और लक्ष्मी का बाया दाया हाथ क्या करता है? धन बांटने के निमित्त बनता है, खुद भी धारण करता है और दूसरी आत्माओं को भी धारणा के योगी बनाए देता है। इसलिए लक्ष्मी से धन मांगते हैं, जगदम्बा से धन मांगेंगे भी तो उनको ईश्वरीय ज्ञान धन जगदम्बा से मिलेगा नहीं, क्योंकि जो खुद ही धारण नहीं कर पाता वो दूसरे को धारणा नहीं करा सकता। लक्ष्मी से धन मांगते हैं, धन जास्ती मिल गया तो कहेंगे कि लक्ष्मी की पूजा ऐसे जास्ती की है इसलिए इसका सारा भंडार लक्ष्मी ने भर दिया। अब लक्ष्मी भंडार भरने वाली है या भोलेनाथ भंडार भरपूर करने वाला है? फिर लक्ष्मी का नाम क्यों दे देते हैं? लक्ष्मी को भी धन कहाँ से मिलता है? लक्ष्मी को भी नारायण से मिलता है, नारायण में ही सेवा प्रवेश करता है। यहाँ तो तुम जगदम्बा से वर्षा पाए रहे हो परमपिता परमात्मा शिव द्वारा, देने वाला तो वो है तुम जानते हो कि जगदम्बा का कितना बड़ा मेला लगता है, लक्ष्मी का तो इतना बड़ा मेला नहीं लगता है। क्यों? कोई कारण रहा होगा है? अरे जगदम्बा सारी मनोकामनाएं पूरी करती है इसीलिए मेला लग जाता है। मेले से क्या कनेक्शन? बाबा के साथ प्रैक्टिकल जीवन में इंद्रियों के सहित सब प्रकार के संबंध जोड़ करके जो मिलन मेला मनाया जाता है वो जगदम्बा ने जितना मेला बनाया उतना और कोई ने नहीं मनाया। और लक्ष्मी जब तक आती है तो एक सेकंड में ब्रह्मा सो विष्णु बन जाता है। लक्ष्मी नारायण को वाइब्रेशन से एक दूसरे का प्यार लेते हुए दिखाया गया। इंद्रियों की आकांक्षाओं की जरूरत ही नहीं रहती, वो बहुत ऊंची स्टेज है। लक्ष्मी नारायण के चित्र में जो दिखाया गया है, लक्ष्मी नारायण जो नर से नारायण बनते हैं वो दृष्टि मात्र से भी एक दूसरे को नहीं देखते, वो चढ़ती कला की स्टेज है। और उनसे पैदा होने वाले जो बच्चे सत्युग की आज रचना बनती है वो जन्म लेते ही एक दूसरे को देखने लग पड़ते हैं, दृष्टि का संयोग लेते हैं, स्नेह लेते हैं, तो ये अंतर पड़ जाता है। इसलिए गाया हुआ है अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो, जिनका पुरुषार्थ बहुत ही गुप्त है। ये मन बुद्धि के अंदर के सब बुद्धियों की बात है, बाहर कोई दिखावा करने की बात नहीं है।
तो दिखाते हैं जगदम्बा का कितना बड़ा मेला लगता है, ब्रह्मा का इतना बड़ा मेला नहीं लगता। ब्रह्मा का मेला अजमेर शरीफ में दिखाते हैं, वहां ब्रह्मा की पूजा भी नहीं होती। मुसलमानों का मेला लगता है, वहां हिंदुओं का मेला नहीं लगता है। कहां की यादगार हुई है? ब्रह्मा का मेला, अजमेर का मेला भक्ति मार्ग में गाया हुआ है। जहां आजा और मेड़ा, भेड़ बकरियां जहां पाले जाते हैं, माउंट आबू, भेड़ बकरियों की प्रवृत्ति क्या होती है? एक तो भीड़ इकट्ठी होके चलती है, दूसरे एक जहां जाती है पीछे पीछे सब उसी ओर चली जाती है, अपनी मन बुद्धि का उपयोग नहीं करते। ऐसे ही माउंट आबू में ब्रह्मा का बड़ा मेला लगता है, ब्राह्मणों की दुनिया में अभी भी लग रहा है। जहां बुद्धि का उपयोग नहीं किया जाता, मुरली में बाबा ने क्या बोला, इन बातों से कोई सरोकार नहीं। मैं ही स्वर्ग स्थापन करने वाला या वाली हूं, हम ही ब्रह्मा है, हम ही विष्णु है, हम ही शंकर है, हम ही वो बड़े बड़े मेगा प्रोग्राम बना करके, तीन मूर्तियों का पोस्टर लगा करके त्रिमूर्ति शिव के रूप में प्रत्यक्ष होते हैं। ऐसो ऐसो को फॉलो करने वालों का मेला लगता है। वो ब्रह्मा का मेला है, जो ब्रह्मा के शरीर छोड़ने के बाद में लगता है। और जगदम्बा का मेला, जगदम्बा के मेला जो यादगार है, वो जगदम्बा के रहते रहते लगता है या शरीर छोड़ने के बाद लगता है? रहते रहते लगता है। जो मेला गाया हुआ है, नारा लगाते हैं तो क्या बोलते हैं? जय माता दी। ये शूटिंग भी अभी ब्राह्मणों की दुनिया में होने वाली है। बाप आए ही है कन्याओं माताओं का मर्तबा बढ़ाने के लिए। वो ब्रह्मा का मेला लगता है, ये जगदम्बा का मेला लगता है। ब्रह्मा को तो एक ही जगह बिठाई दिया है और जगदम्बा के मंदिर तो चारों ओर बने हुए हैं। अजमेर में ब्रह्मा का बड़ा मंदिर है, देवियों के भी बहुत मंदिर है। ये समय की ही तुम्हारी यादगार है, तुम भारत की सेवा करती हो। तुम बने कौन? तुम भारत की सेवा करती हो, माने कौन? कन्या माता। कन्याएं माताएं भारत की सेवा करती हो, पूजा भी तुम्हारी जास्ती होती है। जास्ती पूजा होती है माना सहयोगी आत्माएं भी तुम्हारी जास्ती बनती है। शंकर को इतनी भुजाएं नहीं दिखावेंगे, ब्रह्मा को हजार भुजाएं गायन है और जगदम्बा को भी अनेक भुजाएं दिखाई जाती है। भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। अंत में जगदम्बा प्रत्यक्ष होती है या मध्य में प्रत्यक्ष होती है, जगदम्बा सरस्वती कहा जाता है।
मध्य में जगदम्बा और अंत में भारत माता शिव शक्ति अवतार। जगदम्बा उसे कहा जाता है वर्ल्ड मदर, वर्ल्ड माना जगत, तो वर्ल्ड मदर अलग, जिसे मिस वर्ल्ड के रूप में आज भी गायन है, प्रख्यात किया जाता है मिस वर्ल्ड। और एक होती है मिस इंडिया, बड़े बड़े पुरस्कार मिलते हैं, वो स्थूल पुरस्कार देते हैं, शरीर की स्थूल शोभा का पुरस्कार दिया जाता है, और भगवान ने आंतरिक सौंदर्य का पुरस्कार दिया था मिस इंडिया और मिस वर्ल्ड को। तो तुम सब बच्चियां बहुत लकी हो जो जगदम्बा की भुजाएं बनती हो या महालक्ष्मी की भुजाएं बनती हो। जगदम्बा के लिए ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि वो सर्वव्यापी है। कुत्ते बिल्ली में है, कण कण में है, और तुम्हारा बाप जो तुमको पावन बनाते हैं उनको गाली देते हैं, कुत्ते में है, बिल्ली में है, कण कण में है। तो ये कुत्ता और बिल्ला और कण कण, इनका पर्सनिफिकेशन होता है या स्थूल बात है? कुत्ता में है माना कुत्ते जैसे प्राणियों में भी वो समा करके रहता है, नारायण का पार्ट ऐसा है जो ऊंचे से ऊंचे पार्ट धारी से लेकर के नीचे से नीचे तबके वाले व्यक्ति के साथ घुल मिल करके एक हो जाता है, और दूसरे पार्ट धारियों का ऐसा पार्ट नहीं है। इसलिए भक्ति मार्ग में दिखाई दिया है कि भगवान कण कण जैसा पार्ट बजाने वालों में भी मिक्स हो करके रह जाता है। कुत्ते और बिल्लों जैसे पार्ट धारियों में भी मिक्स हो करके रह जाता है। तो जगदम्बा के लिए ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि वो सर्वव्यापी है, कुत्ते बिल्ले कण कण में है, और तुम्हारा बाप जो तुमको पावन बनाते हैं उनको इतनी गाली देते हैं कि कण कण में है, सर्वव्यापी है, कण कण जैसा नाचीज पार्ट बजाने वालों में भी व्यापक है। तुम्हारी महिमा देखो कितनी होती रहती है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी सर्वव्यापी नहीं कहते हैं, मुझे कह देते हैं ठिक्कर भीतर सब में, कितनी ग्लानी करते हैं, मैं तुम्हारी कितनी महिमा बढ़ाता हूं। भारत माता की जय कहते हैं ना, तुम सब भारत माताएं तो हो ना। वो कहते हैं भारत माता की जय, तो सामने चित्र किसका लगा देते हैं, कौन सा मैप लगाते हैं? भारत जड़ भारत का मैप लगाई देते, परंतु उसमें कोई नारी का भी चित्र खड़ा कर देते हैं, लेकिन जानते नहीं है कि जड़ मात भारत माता नहीं थी, कोई चैतन्य माता थी। तो तुम भारत माता हो ना, वास्तव में कोई जड़ धरनी को माता नहीं कहते हैं। धरती तो अभी तमो प्रधान है,
वही सतयुग में सत्व प्रधान बन जाती है। इसलिए कहते हैं कि देवताओं के पैर पति दुनिया में नहीं आते हैं। जब सत्व प्रधान दुनिया होती है तब देवताओं के बुद्ध रूपी पांव प्रवेश कर जाते हैं। अभी तुमको सत्व प्रधान बनना ही है। श्रीमत पर चलते चलते बाप को याद करते रहेंगे तो बहुत ऊंच पद पावेंगे। ये ख्याल रख करके याद करना है कि हम याद करेंगे तो ही हमारे विकर्म विनाश होंगे। श्रीमत मिलती ही रहती है। सतयुग में तुम्हारी आत्मा प्योर कंचन बन जाती है और शरीर भी कंचन मिलता है। सोने में खाद पड़ती है तो फिर जेवर भी वैसा ही बन जाता है। सतयुग में तुम सोने समान थे, त्रेता में चांदी समान बन गए। कैसे? खाद पड़ने से। कौन सी खाद पड़ गई? संग के रंग की। इसका संग का रंग लगा। जो ऊपर से आत्माएं उतरती है, जो ऊपर से कम कलाओं वाली आत्माएं उतरती है, जिन्होंने पूरा आत्मिक स्थिति में रहने का पुरुषार्थ नहीं किया, उन ढेर की ढेर आत्माओं का संग का रंग लगता है। कहां सतयुग की 2 करोड़ आत्माएं और कहां त्रेता में उतरती है 8 करोड़ आत्माएं। 4 गुनी आत्माओं का संग का रंग लगता है तो अवस्था चांदी की तरह बन जाती है, वैल्यू कम हो जाती है। आत्मा झूठी बनती जाती है तो शरीर भी झूठा बनता है। जैसे खाद पड़ने पर सोने का मूल्य कम हो जाता है, चांदी की खाद पड़ती है और तांबे की खाद पड़ती है तो मूल्य कम हो जाता है ना। तुम्हारा मूल्य तो अब कौड़ी का भी नहीं रह गया। पहले तो तुम विश्व के मालिक 24 कैरेट थे, अभी 9 कैरेट कहेंगे। तुम्हारा मूल्य देखो कैसा है। अभी तुम्हारा मूल्य है कौड़ी मिसल, क्योंकि तुम्हारी आत्मा बन गई है कौड़ी समान। कौड़ी में अंधेरा ही अंधेरा होता है। कहते भी हमारी बुद्धि निल हो जाती है। इतना ज्ञान सुनते हैं फिर बुद्धि में कुछ याद ही नहीं रहता तो अंधेरा हुआ ना। बाप आकर के तुमको हीरे मिसल बनाई देते, माना तुम्हारी आत्मा को हीरे जैसा चमक वाला बनाई देते हैं। जैसे हीरा रात में भी चमक मारता है, ऐसे ऐसा ज्ञान के अंधेरे की दुनिया में तुम संसार में 9 लाख सितारे चमक मारेंगे। अभी तो तुम कौड़ी मिसल बन पड़े हो। ये तो बाप बच्चों से रूढ़ियां करते हैं कि तुम कैसे थे और अब कैसे बन गए हो। बच्चों को बहलाते रहते हैं। तुम यह ज्ञान सुनते सुनते बदलते जाते हो, मनुष्य से देवता बनते जाते हो। आत्मा प्योर बनती जाती है तो शरीर भी प्योर मिलेगा। हीरे जवाहरातों के महल होंगे,
अभी तो ठिक्कर पत्थर के महल भी नहीं मिलते। नालों के किनारे कितनी झोपड़ियां पड़ी हुई है। महलमानियां भी अगर हैं तो परसेंटेज में बहुत कम लोग हैं जिनको बड़े बड़े महल मिले हुए। बाकी तो ज्यादा संख्या जनरेशन गरीब लोगों की है। बाप है गरीब निवास, गरीबों को ही आकर के विश्व का बादशाह बनाते हैं। जब ऐसी स्वर्ग की दुनिया में जावेंगे तो कितना याद करके जावेंगे, याद का भंडारा भरपूर हो जावेगा। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों को मात पिता बाप दादा का दिल व जान सिख व प्रेम से याद प्यार। गुड मॉर्निंग।